दैभान करवरिया के अथक प्रयास से सेतु निर्माण के मुख्य अभियंता राकेश कुमार सिंह ने जमीन का निरीक्षण किया, जहां मेजा के परानीपुर में पक्का पुल निर्माण के लिए जमीन चिन्हित भी की गई। वहीं इस मौके पर पूर्व प्रमुख सतीश चंद्र मिश्रा, राकेश द्विवेदी, एडवोकेट शैलेश पांडे, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र शुक्ला और फुलाला सुधाकर शुक्ला, उनके साथ ही तमाम और लोग भी मौजूद रहे। क्या क्या जो कार्य है, कार्य दिखाते हैं, कितना बढ़िया कार्य है। ये गंगा जी का पुल है, जो लच्छा गिरी का पांच पांडवों का पुल है। पांच पांडव यहाँ आए थे उस पार। इस पुल का सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के लिए कई सालों से सपाई बसपाई सब आए, सब वादे पे वादे करते रहे, पर लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब वादे पे पुल बनेगा, पक्का पुल बनवा देंगे उस पार, और इस पार में आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ परानीपुर ग्राम सभा पड़ता है। परानीपुर ग्राम सभा यमुना पार में सबसे ज्यादा वोट, दूसरे स्थान पे वोट है, जनता है, और विधायिका जी को चाहने वाले भी हैं, जो कि आज आपको बताएं, विधायिका जी खुद एक महिला होकर के पैदल आई हुई हैं, गंगा के किनारे खड़ी हुई हैं, पुल के निर्माण के लिए और पुल पास करवाने के लिए कि बार बार इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा, जहां तक हो सके वहां तक जाके खुद इन्होंने लिखा। आज वो दिन आ गया है कि जो पक्का पुल बनेगा, और इसे देखकर कम से कम हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इतनी खुशी की लहर है कि आपसे क्या बताऊं। आइए विधायिका जी से कुछ बात पूछते हैं। विधायिका जी क्या क्या दी है सौगात, दीपावली का सौगात परानीपुर, और बताऊं मेजा वासियों को मिला है। आज मेजा वासी खुशी दिखाई दे रहे हैं, उनके मन में यह है कि विधायिका जी ने कुछ दिया है। नीलम करवरिया जिंदाबाद। मैंने जो चुनाव के दौरान वादा किया था, और मुझे खुशी है कि मैं आज अपने वादे पे, अंतिम वादा जो मेरा रह गया था, उसको मैं खड़ी हुई हूँ। है, लेकिन एक ये भी ऐतिहासिक है कि पहली बार मैं भाजपा से विधायक बनी थी, तो आप लोगों ने ही बनाया था, परानीपुर के लोगों ने और लोगों ने मिल करके बनाया था, तो जो मेरा सपना था जो साकार हो रहा है। आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं किसमें क्या कितना समय क्या लगेगा। जैसे धनतेरस, विधायिका जी कहना है कि धनतेरस के उपलब्ध में हमने इतनी बड़ी सौगात दिया है, और आने वाला 2022 है, वो सब जानते हैं कि विधायिका किसी का जो चेहरा है वो सबसे नंबर वन पे महिला है, और जो कि घर घर घूमती है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। नीलम करवरिया कैसे हैं, आइए।